नमस्कार दोस्तों, पिछले सेशन में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित कॉग्निटिव डोमेन और उससे संबंधित प्रश्न लिए थे। आज ये दूसरा सेशन है ब्लूम टैक्सोनॉमी पे, जिसमें हम अफेक्टिव डोमेन और उससे संबंधित प्रश्न लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 1956 में दी गई थी, उसे बेंजामिन ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भाई कोई भी व्यक्ति वो कुछ भी लर्न कर सकता है, बस सही परिस्थितियां होनी चाहिए। इस लर्निंग में वो लोअर थिंकिंग से हायर थिंकिंग की ओर जाता है, जिसकी हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो कि मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए होती है। अब हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी थॉट प्रोसेस तो वो कॉग्निटिव डोमेन में हो गया, लेकिन जैसे ही हम आते हैं अफेक्टिव डोमेन में, तो अफेक्टिव डोमेन यानी अधिगम का वो अनुच्छेत्र जो कि अफेक्टिव, साधारण तरीके से आप याद रखें फीलिंग्स, जो फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, जो आपके संवेगों से संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, वो क्षेत्र कहलाता है अधिगम का भावात्मक क्षेत्र, जो आपके भाव फीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हम स्कूल में जाते हैं, वैसे हम वहां पे सोशलाइज होते हैं। सोशलाइज होने के दौरान हम अपने ग्रुप में, अपने विद्यालय में, अपने अध्यापकों के साथ कुछ नया सीखते हैं। इस सीखने में कुछ अफेक्टिव डोमेन आता है, यानी कुछ भाव सीखते हैं, कुछ फीलिंग सीखते हैं। इसकी बात क्रथवोल, ब्लूम और मार्सिया ने 1973 में की थी। तो आप ये याद रखेंगे 1973 में दिया गया था ये डोमेन, जिसमें कि भावनाएं, मूल्य, तारीफ, उत्साह, प्रेरणा और वृत्तियां शामिल हैं। ये अर्थात जो हमने पिछला डोमेन किया था कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम के कॉग्निटिव डोमेन में 6 स्तर होते हैं, जबकि अफेक्टिव डोमेन में 5 स्तर होते हैं। ये 5 स्तर आपको याद रखने हैं और एक के बाद हम एक दूसरे स्तर पर बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। अगर अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग को समझना है, तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हम एक तरफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ माइंड को, कि उस समय हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता या स्तर क्या चल रहा है, इसी के आधार पे हम विकास करते हैं। तो सबसे लोअर लेवल पे, सबसे पहले स्तर पर रिसीविंग यानी प्राप्त करना, प्राप्त करने को आप ग्रहण करना यानी अक्वायर से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा सबसे पहले भाषा कैसे सीखता है, अक्वायर करके, पिकअप करके। सिमिलरली उसी तरीके से एक व्यक्ति कक्षा में जब जाता है स्कूल में या कॉलेज में, उस समय वो सबसे पहले क्या देखता है, भाव, लोगों के जो भाव होते हैं, जो उनकी फीलिंग होती है, वो ग्रहण करता है दूसरों से। उत्साह यानी एनकरेजमेंट, सक्सेस, फेलियर, ये सारी चीजें वो देख रहा होता है, लेकिन वो ग्रहण किसका करता है। अगर मैं यहां पे एक आपको थियरी बताऊं, बैंडूरा की मॉडलिंग थियरी, तो हम जो अवलोकन करते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से वो जो अवलोकन करता है उसको ग्रहण करता है। क्या अवलोकन करता है, जिसके प्रति वो अटेंटिव होता है। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण रोल है अटेंशन यानी अवधान का। तो हम जब हमारा अवधान जिसकी तरफ होता है, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो कक्षा में बैठा है, दूसरे बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए कोई रिवॉर्ड दिया गया। रिवॉर्ड के बाद उसने अपने भाव जिस तरीके से प्रदर्शित किए, वो आपने जैसे ही देखे, ऑब्जर्व किए, तो वो आपने रिसीव कर लिया। तो इसी को कहेंगे अक्वायर, एक्विजिशन। ये सबसे पहला स्तर है। दूसरा स्तर होता है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया। आप इसको इसी तरीके से याद रखें, प्रतिक्रिया के रूप में, रिस्पॉन्स के रूप में। पूरा बिहेवियरिज्म स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे है। स्टिमुलस क्या है यहां पे, वो जो व्यवहार किसी ने किया उसको देख करके जो हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आ गई, हमने रिसीव कर ली। अब जब वैसी ही स्थिति हमारे साथ हुई, उस स्थिति को कहेंगे स्टिमुलस। जब वही स्थिति हमारे साथ हुई
तो हमारा वही रिस्पॉन्स बाहर निकल गया है। तो बेसिकली यहां पे रिलेशन क्या है, याद रखेंगे, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक यानी कि पहले टेक होता है, पहले हम लेते हैं और फिर हम देते हैं, यानी कि जो भी भावनाएं हैं, जो भी संवेग हैं, वो हम समाज में दूसरे लोगों से, दूसरे कैरेक्टर से ग्रहण करते हैं और फिर उसी को हम इमोट करते हैं। इसी तरीके से तीसरा स्तर आता है। तीसरे स्तर में वैल्यूइंग, याद रखिएगा, हम इन भावों में शुरुआत में ये नहीं जानते। एक बच्चा गली में खेलने के लिए गया, वो बच्चे दूसरे बच्चे थे जो कि गाली दे रहे थे, वो घर पे आया, उसने गाली देनी चालू कर दी, तो उसने एक व्यवहार को अडॉप्ट कर लिया, बिल्कुल उसी टोन में, उसी भाव के साथ उसने वो गाली दी, एंग्री होने लगा, फ्रस्ट्रेट होने लगा, इरिटेट होने लगा और गुस्सा दिखाने लगा। ये सारे क्या हैं? ये सारे वो भावात्मक क्षेत्रक हैं जो उसके अंदर डेवलप हो गए गली में देखने वाले बच्चों से। तो जो उसने प्राप्त किया वही उसने दिया। कहते हैं ना कि अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही लिव्स इन, ही और शी। तो आप जिस प्रकार की कंपनी में होगे वैसी चीजें सीखोगे। आपने सीख लिया तो गिव एंड टेक तो हो गया, लेकिन आपकी एक एज आती है जिस वक्त लगभग 12 years, लगभग 12 years, ये वो टीनेज का टाइम है जिस वक्त आप वैल्यू देते हैं, आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम ओरिएंट होता है और आपको ये लगता है ये सही है और ये गलत है। तो आपने लिए तो बहुत सारे भाव, लेकिन आपने दिया क्या, आप उसको इमोट नहीं करते। तो इस तरीके से आप वैल्यू देने लगते हैं, ये देखने लगते हैं, ये एक तराजू का काम करता है वैल्यू सिस्टम आपका, और फिर आप उसमें से कुछ भाव अपने अंदर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसे कहते हैं संगठन। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। पिछली बार सोशल साइंस के एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन। हम संगठन करते हैं, यानी कुछ प्रकार के ऐसे भावात्मक क्षेत्रक होते हैं, भावात्मक विचार होते हैं हमारे, जिनको हम अपने अंदर ढालने लगते हैं तो शेप में आने लगते हैं। दिस इज द एज ऑफ लगभग 15 years। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी का डेवलपमेंट, एरिक्सन ने बहुत स्पेशली एक बात कही है कि जो आपके अंदर आइडेंटिटी डेवलप होती है वो 15 से 16 साल के दौरान होती है, ना इससे पहले और ना इसके कभी भी बाद। तो इसका मतलब क्या है, उस आइडेंटिटी के साथ आप अपनी एक पहचान बनाते हैं। वो जो पहचान है वो है क्या, लोग आपको जानने लगते हैं, ये तो ऐसा है, ये इस तरीके का व्यवहार करता है, तुम अगर उसे ये कहोगे तो वो ये कहेगा, वो ऐसे व्यवहार करेगा। ये जो लेवल है यही है वो रीअरेंजमेंट ऑफ वैल्यू सिस्टम का। आपको क्या व्यवहार प्रदर्शित करना है और क्या व्यवहार आपको प्रदर्शित नहीं करना है, इसकी आपको जानकारी जो मिलती है, ये जो आप अपने अंदर कर पाते हैं, ये होता है लेवल लगभग 15-16 साल की उम्र में हो जाता है। होता तो शुरुआत से ही है, लेकिन मुख्य रूप से ये पूर्ण रूप से आप ऑर्गेनाइज करने लगते हैं इस टाइम पे, और इस तरीके से आपके अंदर फर्दर वयस्कावस्था में कैरेक्टर का निर्माण होता है। यही कैरेक्टर डेवलपमेंट फाइनल उद्देश्य होता है अफेक्टिव डोमेन का। अगर पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन क्या है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट। अगर कोई इस तरीके से पूछे कि आपके अंदर भावात्मक अधिगम का सबसे उच्च स्तर क्या है, तो आप कहेंगे चरित्र निर्माण। आप अपना चरित्र निर्माण करने के लिए, आप अपने कैरेक्टराइजेशन करने के लिए आप इन भावों को लेते हैं और इनकॉर्पोरेट वैल्यूज इनटू लाइफ, और फिर अपने जीवन में उन्हीं चीजों को ग्रहण करके समाहित कर लेते हैं जिसके लिए आगे चल करके लोग आपको एक पूरे समावेशित भाव के लिए जानते हैं। तो ये है अफेक्टिव डोमेन, और इसी तरीके से ये एक के बाद एक स्तर से चलता है। इसमें हमेशा याद रखेंगे, एक हायरार्की हमेशा काम करती है जब भी ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी है। तो सबसे नीचे वाला जो स्तर है, जैसे यहां पे रिसीविंग, तो ये सबसे लोअर लेवल ऑफ अफेक्ट्स हैं, सबसे लोअर लेवल ऑफ फीलिंग्स या इमोशंस हैं, और सबसे ऊपर कैरेक्टराइजेशन। तो अगर आपने किसी में से केवल रिसीव कर ली अगर कोई वैल्यू, और फिर आपने उसको
कभी टाइम एंड अगेन दिखाया, प्रदर्शित किया, लेकिन उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, तो अभी लोअर लेवल है। जब आप उसे अपने कैरेक्टर में ढाल लेते हैं तो ये लर्निंग हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। तो यही है, अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पे सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि ये हायरार्की में है, सोपानीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? सोपानीकृत। तो ये स्तर हैं, कितने हैं? 5 स्तर हैं, इनको याद रखें। 1973 में क्रथवॉल ब्लूम मार्सिया ने दिए थे। अफेक्टिव डोमेन में आप इसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट टू को गिव एंड टेक, थर्ड को जस्टिस यानी कि आप बैलेंस करते हैं, और फोर्थ एंड फिफ्थ को अपने व्यक्तित्व में ढालना। तो पहले वाले को गिव एंड टेक, फिर आप तौलते हैं, मापते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और लास्ट में दोनों को अपने व्यक्तित्व में ढालने की बात होती है, और इस तरीके से आप इसका विकास करते हैं। तो देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, एजुकेशनल एक्टिविटी या लर्निंग को ब्लूम ने कितने अनुक्षेत्रों में देखा है। आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तो 3, 4, 5, 6 इनमें से 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन ब्लूम टैक्सोनॉमी के अफेक्टिव डोमेन की रिसर्च में शामिल नहीं था। अफेक्टिव डोमेन पे हमने बात की, आपको यह बताना है इनमें से कौन अफेक्टिव डोमेन की जो रिसर्च थी, जो शोध किया गया, उसमें शामिल नहीं था। बेंजामिन ब्लूम, क्रथवॉल, मार्सिया, मैकडूगल। मैकडूगल का काल लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत का था। 1908 में उन्होंने सोशल साइकोलॉजी पे एक बुक लिखी थी और इंस्टिंक्ट पे रिसर्च की थी। तो यहां पे आंसर होगा डी, बेंजामिन ब्लूम, क्रथवॉल और मार्सिया ने मिलकर के 1973 में अफेक्टिव डोमेन दिया था। यह हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूम द्वारा दिए गए भावात्मक आयाम में इनमें से सर्वोच्च स्तरीय आयाम कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फीलिंग। पिछले कॉग्निटिव में हमने क्या किया था, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फीलिंग। ए रिस्पॉन्डिंग, बी वैल्यूइंग, सी ऑर्गेनाइजेशन या डी कैरेक्टराइजेशन। तो अभी हमने बात की कि पहले हम रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, और लास्ट में कैरेक्टराइज करते हैं। हाईएस्ट लेवल पूछ रहा है तो आंसर होगा कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिए, एक व्यक्ति बिना भाव के, बिना एम्पथी, सिंपथी, एंगर, फियर, लव, ये सब हमारे अंदर के भाव हैं। हम इन भाव की जो सर्वोच्च परिकल्पना होती है वो होती है कैरेक्टराइजेशन। हम इन्हें अपने कैरेक्टर में उतार लेते हैं, ऑर्गेनाइज करके अपने वैल्यू सिस्टम के अनुसार, और इसी प्रकार से लाइफ को जीते हैं, जिसको कि ब्लूम ने अफेक्टिव डोमेन के रूप में देखने की कोशिश की। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।